ओके भाई लोग, तो फाइनली आई बॉट आईफोन 13 और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अभी इस फोन को लेना वर्थ इट है या फिर ये फोन बुरा हो गया है, पुराना हो गया है, लैग करने लगा है, क्या क्या इश्यूज है इस फोन में, क्या क्या सीन है इस फोन के साथ, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। एंड क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए अभी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं अपने Realme 6 से रिकॉर्ड करना प्रेफर करता हूँ हमारे आईफोन को छोड़ के। तो चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. तो जैसे कि आपने अब अनबॉक्सिंग तो देखी ली है, एंड मैं सबसे पहले आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ नुकसान से पहले, कॉज नुकसान जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है परफॉर्मेंस, एंड दैट इज़ टॉप नॉच। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस, इतने बढ़िया गेमिंग आपको और किसी डिवाइस में नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स आईफोन 14, आईफोन 15 मिलेगी, बट ये फ़ोन अपने में बीस्ट है भाई साहब। प्रॉपर अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको प्रॉपर 60 FPS में लगातार मिलेगा, एक भी सेकंड के लिए फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा आपका। मैंने इसके अंदर काफ़ी गेम खेला है, बिकॉज मैं मोस्टली गेम खेलता हूँ, एंड दिस फोन इज़ फकिंग फास्ट। इसके 60 FPS में एंड हमारे Realme 6 के 60 FPS में काफ़ी फ़र्क है। दूसरा है कैमरा। अब कैमरे में नुकसान भी है, बट पहले फ़ायदे की बात करते हैं। इसकी जो भाई साहब फ़ोटोज़ आती हैं बहुत ही बढ़िया, मतलब अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊं, तो ये देखो, ये जो फ़ोटो है ये मैंने खींची थी रात में 9 बजे। कहीं देख के बता सकते हो कि आप ये रात के 9 बजे की फ़ोटो है? बिल्कुल भी नहीं। रियली फोटो है इसके फ्रंट कैमरे से रात की, एकदम अंधेरे में बैठा हूँ मैं एंड इसने ऐसी फ़ोटो खींची है। तो ये जो फ़ोन है ये रात में ऐसी ऐसी फ़ोटो खींचता है भाई साहब, मैं तो चौंक गया था लिटरली। प्रोसेसर एंड कैमरा, आईफोन के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो दोनों इसके अंदर टॉप नोच है। आप किसी भी 40 से 50 हज़ार के फ़ोन से अगर आप इसको बीट करोगे, 150% ये फ़ोन उनको बीट करने वाला है इस साल भी। इस साल भी उनको बीट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ 2024 की या 25 की या 23 की, किसी भी साल में आप ये वीडियो देख रहे हो, ये फ़ोन ईजिली बीट कर देगा उनको। तीसरा है इसकी बैटरी लाइफ। कुछ 8 से 9 घंटे का स्क्रीन टाइम है, एंड जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलता हूँ, 1 से 2 घंटा तो खेल ही लेता हूँ दिन में। एंड मैंने कल इसको दोपहर में 2 बजे चार्ज करा था, एंड अभी 12:47 हो रहे हैं। मैं आपको इसकी बैटरी परसेंटेज दिखाता हूँ, तो अभी इसके अंदर है पूरे 39% बैटरी, यानी कि क्लोज टू एक दिन में इसने 50% बैटरी यूज़ करी है, जो कि मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें खेली हैं। मैंने इसके अंदर काफ़ी YouTube चलाया है, गेम्स खेले हैं, मोस्टली मैं अपना Realme 6 ही यूज़ करता हूँ, बट फिर भी काफ़ी सारा मैंने इसको यूज़ करा है, मेरा भाई भी इसको यूज़ करता है। तो उस हिसाब से भाई साहब एक दिन की बैटरी लाइफ है इसके अंदर। अगर आप एकदम ही गीक नहीं है कि भाई साहब पूरा दिन ही 12-12, 14-14 घंटा फ़ोन चला रहे हैं, तो एक दिन तक ये फ़ोन आराम से चल जाएगा। तो यार अब बात करते हैं नुकसान की, कॉज एज आई सेड नुकसान थोड़े से ज़्यादा है। सबसे पहली तो बात है प्राइस। ये फ़ोन अभी अगर आप अमेज़ॉन से लेने जाओगे तो आपको 50 हज़ार का पड़ेगा, जो कि महंगा हो जाता है अपने में ही। दूसरा पॉइंट है, आपको इसके साथ चार्जर नहीं मिलता है, आपको ये छोटी सी चीज़ 2000 में अलग से लेनी पड़ेगी। तीसरा है कि जैसे कि मैंने कैमरे की तारीफ करी थी, कैमरे में अगर आप जूम करोगे तो सिर्फ 5x तक जूम होता है। मेरा जो ये वाला कैमरा है Realme 6 का, ये खुद 10x तक जूम कर देता है भाई, और ये फ़ोन सिर्फ 5x तक जूम करता है। मैंने कल क्योंकि करवा चौथ था तो मैंने चांद की एक फ़ोटो ली है इसके 5x से, आप देखो कैसी है, नॉट सो इम्प्रेसिव राइट। तो यस, अगर आपको दूर की फ़ोटो खींचनी है तो यार ये फ़ोन नहीं जमेगा। चौथी चीज़ देखिए यार, इसको बाकी किसी नॉन एप्पल प्रोडक्ट से कनेक्ट करने में भाई जो मेहनत लगती है मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे जो फैंटम के 430 वाले एयरपॉड्स हैं, इसको मैं कनेक्ट हर बार जब भी मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करता हूँ मुझे इससे कनेक्ट करना पड़ता है हर बार। मेरे एंड्रॉयड वाले से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, बट इससे अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको खुद जाके बार बार, जितनी बार भी आप फ़ोन चालू करोगे आपको उतनी बार इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। एंड अगर आपको याद हो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि क्यों मैं अपने Realme 6 से वीडियो रिकॉर्ड करना प्रेफर करता हूँ आईफोन के डोप कैमरा होने के बावजूद भी, उसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई मैं वीडियो तो इससे रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर मैं एडिट किससे करूँगा? तो वीडियोस को मैं एडिट करता हूँ काइनमास्टर के मॉड एपीके से। अब मॉड एपीके इसमें तो डाउनलोड होने से रहा, एंड अगर मैं इससे हमारे Realme 6 में वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ
एक घंटा लगता है मिनिमम। मैंने 1 GB की एक वीडियो डाली है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। वो वीडियो जो है मैंने अपने आईफोन से ही रिकॉर्ड करी है। उस वीडियो को मेरे इस फोन से इस फोन में लेने के लिए ही लिटरली आधा घंटा लग गया था। मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस फोन को लेने के बाद, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए 2023, 2024 या 2025 में? इसका आंसर है डिपेंड करता है अगर आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपका मॉडल है कि सिर्फ मुझे गेम खेलना है तो बिल्कुल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप क्लास इसके अंदर गेम चलेंगी, हर टाइप की गेम चलेगी, किसी को कोई रोक टोक नहीं होने वाली। पबजी खेलने के लिए दिस इज द बेस्ट फोन इन दिस मार्केट रेंज। अगर आपका है कि आपको ब्लॉग करने हैं, अगेन दिस फोन इज फकिंग ऑसम। इसके फ्रंट कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट प्रॉब्लम आएगी कि आपको अलग से फिर एक मैकबुक भी खरीदना पड़ेगा ताकि आप उसके अंदर फोटोशॉप ये सब कर पाओ, बिकॉज इसको लैपटॉप से कनेक्ट करने में भाई साहब जो वाट लगने वाली है। अगर आप उसे बनना चाहते हैं तो आपको एक मैकबुक खरीदना पड़ेगा या फिर इसी के अंदर पेड काइन मास्टर खरीदना पड़ेगा जिसमें लोगो ना आए। तो पैसा खर्चा करो तब आपके लिए परफेक्ट है। इन शॉर्ट, अगर आप गेम खेलने के लिए आईफोन लेना चाहते हैं तो आईफोन 13 में आपका हो जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए लेना चाहते हैं तो भी आईफोन 13 में हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आई होप मैंने आपकी हेल्प करी होगी। कमेंट करके बताना हेल्प करी या नहीं, एंड आपका फोन कैसा लगा ये कलर में, एंड आप लेने वाले हो या फिर नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।